हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं मनीषा, स्वागत है आपका अपने चैनल एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम फिर मिले हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही अच्छे तरीके से, आसान तरीके से हम समझेंगे। बस वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और पूरा वीडियो जरूर देखें ताकि हर एक चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाए, हर एक पॉइंट इसका इम्पोर्टेंट है। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है हीमोस्टेसिस। सो फ्रेंड्स, हीमोस्टेसिस क्या होता है, इसकी क्या मैकेनिज्म होती है, क्या प्रोसेस इसके अंदर होती है, कौन कौन से स्टेप्स होती है, सभी के बारे में आज की क्लास में हम बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा हीमोस्टेसिस। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखो, हीमोस्टेसिस का मतलब क्या होता है, एक शॉर्ट फॉर्म में मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि इसका मतलब होता है मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग। यानी कि हीमोस्टेसिस मतलब कि मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग, ब्लड को क्लोट करने की मैकेनिज्म। यानी कि जब भी हमें चोट लग जाती है, हम देखते हैं कि खून बहता रहता है और थोड़ी देर बाद वहां पर ब्लड क्लोट हो जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है। तो वो कैसे बनता है, क्या प्रोसेस होती है ऐसी कि वहां पर थोड़ी देर बाद ब्लड का क्लोट हो जाता है, तो उसके बारे में आज की क्लास में हम समझेंगे। सो डिटेल में हीमोस्टेसिस के बारे में देखते हैं कि हीमोस्टेसिस क्या है। देखो, हीमोस्टेसिस नाम से आप समझिए कि हीमो मतलब हम समझते हैं ब्लड, हीमो मतलब होता है ब्लड, और स्टेसिस मतलब होता है स्टॉपिंग। यानी कि जब भी इंजरी हुई है, चोट लगी है, तो हमारी ब्लड वेसल्स डैमेज हो गई। ब्लड वेसल्स डैमेज हुई तो क्या हुआ, ब्लड का फ्लो होगा। अगर ब्लड बहता रहा, ब्लड क्लोट नहीं हुआ, तो ब्लड का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, हमारी बॉडी में से बहुत सारा ब्लड बाहर निकल जाएगा। तो उस खून को बंद तो करना पड़ेगा, तो उसको बंद करने के लिए जो प्रोसेस चलती है वो होती है हीमोस्टेसिस, यानी कि ब्लड को स्टॉप करना। तो भाई, ब्लड को क्लोट करना बहुत जरूरी है। हमारी बॉडी में ब्लड क्लोट नहीं होता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक एंटीकोगुलेंट होता है जिसका नाम है हिपेरिन। वो हमारे ब्लड के मतलब बॉडी के अंदर ब्लड को क्लोट नहीं होने देता है, लेकिन जैसे ही हमें चोट लगती है, एयर के कॉन्टेक्ट में आता है और ब्लड क्लोट हो जाता है। तो वो कैसे होता है, उसी के बारे में हम समझ रहे हैं। देखिए, हीमोस्टेसिस क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। हीमोस्टेसिस इज द नेचुरल प्रोसेस इन विच ब्लड फ्लो स्लो एंड अ क्लोट फ्रॉम टू प्रिवेंट ब्लड लॉस ड्यूरिंग अ इंजरी। यानी कि ब्लड सबसे पहले, उसका जो ब्लड का जो फ्लो है, ब्लड जो बह रहा है, वो सबसे पहले स्लो होता है, फिर उसके बाद वहां पर धीरे धीरे क्या हो जाता है, क्लोट बन जाता है। तो मतलब कि इसका सीधा सीधा मतलब क्या है हीमोस्टेसिस का, कि प्रिवेंट ब्लड लॉस ड्यूरिंग एन इंजरी। यानी कि जब भी कोई चोट लगी, इंजरी हुई, तो यानी कि ब्लड के लॉस से प्रिवेंट करना, यही अपने हीमोस्टेसिस का उद्देश्य है। देखिए, ड्यूरिंग हीमोस्टेसिस ब्लड चेंज फ्रॉम अ फ्लूइड लिक्विड टू अ जिलेटिनस स्टेट। हम देखते हैं कि ब्लड बहता है तो वो फ्लूइड स्टेट में रहता है, और जहां पर मतलब धीरे धीरे ब्लड का क्लोट बनने लग जाता है, तो वहां पर वो एक जिलेटिनस स्टेट में आ जाता है। अब देखिए, इसकी स्टेज, इसकी कुछ मैकेनिज्म होती है, उसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस तरीके का क्लोट बन जाता है जब भी यहाँ पर इंजरी हुई, ये हमारी ब्लड वेसल्स, यहाँ पर चोट लगी और थोड़ी देर बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लड का क्लोट बन जाएगा। तो ये कैसे बन रहा है, वो मैकेनिज्म हमें देखनी है। एक एक करके सारे पॉइंट को बहुत अच्छे से समझेंगे, बस वीडियो को स्किप नहीं करना है और एंड तक देखना है, पूरा फोकस बनाए रखे, बहुत आसान तरीके से समझेंगे। स्टेज ऑफ हीमोस्टेसिस, देखो हीमोस्टेसिस की कितनी स्टेज होती है, तो मेनली हीमोस्टेसिस की तीन स्टेज होती है, कौन कौन सी, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। इन तीनों स्टेप्स के बारे में हमें समझना है। स्टार लगा लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉर्मली भी आपको पता होना चाहिए, मेन एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, वाइवा में पूछा जाता है, कहीं पर भी इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्ट होना, यानी कि सिकुड़ना। यहां से ब्लड निकल रहा है तो सबसे पहले तो ये जो आपके वेसल्स है, यानी कि उस पाइप को हम छोटा कर देते हैं ताकि वहां पर ब्लड का फ्लो कम हो जाए। दूसरा आता है आपका प्लेटलेट का प्लग बनना। देखो, प्लेटलेट हमारी एक जानी मानी सेल, आप सभी ने सुना होगा, एक तरह की ब्लड सेल्स है जो कि आपके ब्लड को क्लोट करने का काम करती है। तो सबसे मेन रोल इसका होता है इसमें प्लेटलेट का, जो कि यहाँ पर क्या कर देती है, टेम्परेरी प्लग बना देती है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आती है आपकी कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, जिसमें आपके कुछ क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो एक्टिवेट होते हैं, वो काम करते हैं और वहां पर पूरा
परमानेंट क्लोट बना देते हैं। सो इन तीनों स्टेप के बारे में एक एक करके हमें समझना है। सबसे पहले जानते हैं हम वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के बारे में कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है। देखो वैसो का मतलब होता है वैसल्स, वैसो का मतलब होता है वैसल्स, और कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब अगर हम हिंदी में समझे तो सिकुड़ना, हिंदी में लिख लेते हैं भैया, सिकुड़ना। यानी कि सीधा सीधा क्या कह रहा है कि ब्लड वेसल्स का सिकुड़ना ही आपका वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कहलाता है। कि मतलब कि आपके ये जो ब्लड वेसल्स है अगर यहाँ पर कहीं चोट लग गई तो वो अपने आप को ऐसा सिकुड़ लेती है ताकि ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ब्लड लॉस नहीं होगा। उसके बाद आपके इमीडिएटली आफ्टर इंजुरी द ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट एंड डिक्रीज द लॉस ऑफ ब्लड फ्लो डैमेज पोर्शन, जहां पर डैमेज हुआ है वहां से ब्लड का लॉस कम हो जाता है। और व्हेन द ब्लड वेसल्स आर कट द एंडोथेलियम इज एक्टिवेटेड डैमेज एंड द कोलेजन इज एक्सपोज्ड। यानी कि जैसे ही आपकी जो एंडोथेलियम लेयर्स होती है, आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है कुछ इस तरीके की, देखिए ये आपकी नॉर्मल ब्लड वेसल्स है और ये आपके इंजर्ड ब्लड वेसल्स है। यानी कि यहाँ पर इंजरी हुई है तो इसने अपने आपका यहाँ पर जो इसका पोर्शन है यानी इसकी साइज जो है वो थोड़ी सी कम कर ली है जहां पर चोट लगी है, ताकि यहाँ से जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो थोड़ा, ब्लड का जो लॉस हो रहा है वो थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, तो जैसे ही ये जो हमारी लेयर होती है एंडोथीलियम, आगे और अच्छे से समझाऊंगी वहां पर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो एंडोथीलियम लेयर होती है, वो लेयर क्या करती है, कॉलेजन का एक्सपोजर करती है। तो जैसे ही कॉलेजन का एक्सपोजर होता है आपके अगले स्टेप जो है वो स्टार्ट हो जाती है। देखिए पेटेंट अडेयर टू दिस कॉलेजन एंड गेट एक्टिवेटेड, यानी कि जैसे ही यहाँ पर कॉलेजन का एक्सपोजर होता है आपकी प्लेटलेट का काम शुरू हो जाता है। तो अब हमें समझना है अगले स्टेप यानी कि प्लेटलेट के बारे में, यानी कि प्लेटलेट प्लग बनता है हमारा, तो वो कैसे बनता है। सो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में आपकी कौन कौन से स्टेप होती है, कैसे प्लेटलेट का प्लग बनता है उसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, इन पॉइंट को हम समझते हैं एक एक करके विथ डायग्राम। तो यहाँ पर हम डायग्राम भी बनाएंगे साथ में कि आखिर में कैसे प्लेटलेट का प्लग बनता है। देखिए आपका पहला पॉइंट कह रहा है कि आफ्टर इंजरी प्लेटलेट कॉन्टेक्ट विद कॉलेजन एंड डैमेज एंडोथीलियम। यानी कि जैसे कि अगर हम एक ब्लड वेसल्स बनाए, जैसे कि ये हमने बनाई यहाँ पर ब्लड वेसल्स जो कि एक डैमेज ब्लड वेसल्स है जहां पर इंजरी हुई है कुछ इस तरीके की हमने बना ली। अब कह रहा है कि प्लेटलेट जो है आपके कॉलेजन और डैमेज एंडोथीलियम के कॉन्टेक्ट में आती है सबसे पहले, तो क्या होगा, हमने ये बनाई यहाँ पर एंडोथीलियम लेयर, ये है आपकी एंडोथीलियम लेयर्स जिसके अंदर है आपकी एंडोथीलियल सेल्स, ये है आपकी एंडोथीलियल सेल्स और नीचे आपके कुछ इस तरीके के यहाँ पर कॉलेजन फाइबर्स होते हैं, ये हमने बना दिए कॉलेजन फाइबर्स। और नीचे आपकी होती है यहाँ पर स्मूथ मसल्स, क्या होती है, स्मूथ मसल्स, ये हमने बना दी यहाँ पर स्मूथ मसल्स जो कि यहाँ पर डैमेज्ड हो गई है। तो जैसे ही प्लेटलेट, अब हमें बनानी है प्लेटलेट, तो आपके यहाँ पर क्या घूम रही है अंदर, प्लेटलेट आरबीसी भी हो सकती है, डब्ल्यूबीसी भी होती है, सभी होती है, लेकिन प्लेटलेट की बात कर रहे हैं तो केवल उसी की बात करेंगे। ये अंदर आपकी प्लेटलेट घूम रही है तो यहाँ पर जैसे ही ये एंडोथीलियम लेयर जो है वो डैमेज होगी तो यहाँ पर क्या होगा, आपके कॉलेजन का एक्सपोजर होगा। जैसे ही कॉलेजन का एक्सपोजर होगा यहाँ पर एक फैक्टर रिलीज्ड होगा, उस फैक्टर का नाम है वॉन विलिब्रेंट फैक्टर। तो ये हमने यहाँ पर फैक्टर बनाया है, ये कुछ इस तरीके का ये फैक्टर यहाँ पर रिलीज हुआ है जिसने हमें शॉर्ट में हमने इसको वॉन विलिब्रेंट फैक्टर कहा है। तो जैसे ही ये फैक्टर रिलीज्ड होगा आपकी प्लेटलेट क्या होगी, इस पर आकर चिपक जाएगी, एडहेर हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी। तो ये हम प्लेटलेट बना लेते हैं कि प्लेटलेट यहाँ पर आई और इस तरीके से बाइंड हो गई। ठीक है, तो हमने कहा कि प्लेटलेट बिकम स्टिकी एंड एडहेर टू कॉलेजन थ्रू वॉन विलिब्रेंट फैक्टर, यानी कि इस वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के थ्रू प्लेटलेट यहाँ पर आकर बाइंड हो जाएगी। तीसरी स्टेप आती है कि आफ्टर एडिशन, पहले हुआ एक्टिवेशन, एक्टिवेशन के बाद हुआ एडिशन, यानी कि आफ्टर एडिशन प्लेटलेट सीक्रेट ग्रेन्यूल्स विच एक्टिवेट अदर प्लेटलेट एंड साइकिल कंटिन्यू। हमारी ब्लड वेसल्स में केवल एक प्लेटलेट तो है नहीं, बहुत सारी प्लेटलेट है, और केवल एक प्लेटलेट ब्लड के क्लोट को तो, मतलब ब्लड का क्लोट तो नहीं बना देगी, ब्लड के फ्लो को तो नहीं रोक सकती, तो इसे क्या करना पड़ेगा, अदर प्लेटलेट को भी एक्टिवेट करना पड़ेगा। इसके लिए इसके अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स भरे हुए होते हैं इस तरीके से, तो वो ग्रेन्यूल्स जो है वो बाहर निकल जाते हैं जैसे ही ये इस फैक्टर के कॉन्टेक्ट में आती है। तो ये ग्रेन्यूल्स जाके आपकी जो अदर प्लेटलेट है उनको जाकर एक्टिवेट करेगा। जैसे ही ये प्लेटलेट एक्टिवेट होगी इनका शेप कुछ इस तरीके का बन जाएगा, इसी प्रकार सारी प्लेटलेट यहाँ पर आकर इकट्ठी हो जाएगी और उसको हम कहेंगे प्लेटलेट एडहेशन। तो यहाँ पर आपकी जो प्लेटलेट एक्टिवेशन, मतलब जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट है
वो यहाँ पर आके इस तरीके से यहाँ पर एडहेयर हो जाएगी. सो एडहेयर यानी कि ऑल दिस प्लेटलेट एग्रीगेट टूगेदर फॉर्म लूज टेम्परेरी प्लेटलेट प्लग, यानी कि ये जो प्लेटलेट है वो यहाँ पर एडहेयर होगी तो यहाँ पर वो एक क्या बना देगी, टेम्परेरी प्लग बना देगी. इस पॉइंट को आप ध्यान रखना कि ये जो प्लग बन रहा है यहाँ पर वो टेम्परेरी प्लग है. परमानेंट प्लग कैसे बनेगा आगे मैं आपको बताऊंगी. और फाइनली कैसे आपका ब्लड क्लोट होगा, तो यहाँ पर टेम्परेरी प्लग बना, फॉर्मेशन हुआ विच क्लोजेस द रैप्चर्ड वेसल्स एंड प्रिवेंट फर्दर ब्लड लॉस, यानी कि ये इस पूरे एरिया को पूरा कवर कर लेगी, पूरा क्लोज कर लेगी और ब्लड के लॉस को प्रिवेंट करेगी. तो ये इस तरीके से होता है हमारे प्लेटलेट का प्लग का फॉर्मेशन. अब ये जो इसके अंदर ग्रेन्यूल्स भरे हुए हैं इनके बारे में आपको समझा देती हूँ. देखो इस टॉपिक को अगर आपको और भी ज्यादा डिटेल में समझना है तो आप एमएलटी एजुकेशन पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पर मैंने इसको डिटेल में भी पढ़ाया है. देखो कहां बात कर रहे थे हम कि ये जो ग्रेन्यूल्स है जो कि आपकी एक्टिवेटेड प्लेटलेट के अंदर है उनका नाम है सेरोटोनिन, कैल्शियम, एडीपी, पीजीडीएफ और थ्रोम्बोक्सिन ए टू. देखो इनके क्या काम होते हैं, सेरोटोनिन का काम होता है एक्ट इज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब कि ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करना, सिकुड़ना. कैल्शियम का काम होता है कि क्लोटिंग फैक्टर को बाइंड करना, क्लोटिंग फैक्टर आगे मैं आपको बताऊंगी. एडीपी का काम होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट का हेल्पिंग प्लेटलेट को एग्रीगेट करना, प्लेटलेट को एक जगह इकट्ठे करने में. और पीजीडीएफ प्लेटलेट ग्रोथ ड्राइव फैक्टर का काम होता है हेल्प इन रिपेयर ऑफ डैमेज स्मूथ मसल्स, जो डैमेज हुई है और जो एंडोथेलियल लेयर डैमेज हुई है उसको रिपेयरिंग के लिए. और थ्रोम्बोक्सिन एटो का काम होता है प्रोमोट एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट एंड वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि जो प्लेटलेट का एग्रीगेशन हुआ है एक तो उसको प्रमोट करना और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन में हेल्प करना. और ये सब मिलकर आपके प्लेटलेट को क्या कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं. और जैसे ही प्लेटलेट एक्टिवेट होती है आपकी सारी प्रोसेस क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है. फाइनली वहां पर प्लेटलेट का प्लग बन जाता है. तो इस तरीके का प्लेटलेट का प्लग का फॉर्मेशन वहां पर हो जाता है, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं. और उसके बाद प्लेटलेट का प्लग बनने के बाद जो अगले स्टेप आती है हमारी वो आती है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि फाइनली जो टेम्परेरी प्लग बना है उसके बाद में आपका क्या बनेगा, परमानेंट प्लग बनेगा. यानी कि जब एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई हो, यानी कि एक्सेसिव ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए आपकी जो कोएगुलेशन के स्टेप आती है, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या होता है कि द फिब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन, इसमें आपके एक्ट करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर. अब क्लॉटिंग फैक्टर क्या होते हैं हम किसी अनदर क्लास में डिस्कस करेंगे. देखो क्लॉटिंग फैक्टर का मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो एक्टिवेट होते हैं, यानी कि थर्ड स्टेप में एक क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, ऐसे सारे क्लॉटिंग फैक्टर क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं और वहां पर परमानेंट क्लोट बनाते हैं. तो लास्ट स्टेप में आपका फिब्रिनोजन जो होता है वो कहां पर कन्वर्ट हो जाता है, फिब्रीन में कन्वर्ट हो जाता है. और यह फिब्रीन क्या करता है, वहां पर एक जाल के जैसा स्ट्रक्चर बना देता है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा. तो ये जो जाल के जैसा यहाँ पर नेटवर्क स्ट्रक्चर बना हुआ इस तरीके का यहाँ पर बन जाता है जो प्लेटलेट का प्लग बना है उसके ऊपर, और फाइनली वहां पर क्या हो जाता है, ब्लड का क्लोट हो जाता है. देखो फिब्रिन थ्रेड गेट अटैच टू द प्लेटलेट प्लग, मैंने अभी आपको बताया वही, और विच ब्लॉक द रैप्चर्ड पार्ट, यानी कि जो रैप्चर्ड एरिया हुआ है उसको पूरा ब्लॉक कर देता है और फर्दर आपका ब्लड लॉस से वो उसको प्रिवेंट करता है और वहां पर कंप्लीटली क्या बन जाता है, क्लोट बन जाता है. देखो ये जो कोएगुलेशन की स्टेप होती है जो कि हम अनदर क्लास में क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, उसमें आपके दो पाथवे चलते हैं, एक इंट्रेंसिक पाथवे और एक चलता है आपका एक्सट्रेंसिक पाथवे. तो ये दो पाथवे होते हैं आपके, इनके बारे में हम दूसरी क्लास में डिस्कस करेंगे. ये हो गया आपका कंप्लीट जो कोएगुलेशन है उसके स्टेप कि कैसे आपका ब्लड जो है वो क्लोट होता है. तो अभी जो हमने पढ़ा वो सारी प्रोसेस मैंने यहाँ पर लिखी हुई है ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए कि जैसे हमारे सबसे पहले क्या हुआ, ब्लड वेसल्स डैमेज हुई, एंडोथेलियम डैमेज हुई, कॉलेजन का एक्सपोजर हुआ तो आपका फैक्टर रिलीज हुआ तो क्या हुआ, आपका एडेरिस यानी कि प्लेटलेट वहां पर उस फैक्टर पर जाकर बाइंड हो गई. और फिर फर्दर आपके क्या हुआ, एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट, प्लेटलेट का एक्टिवेशन हुआ तो उसके अंदर जो ग्लैन्यूल्स है वो सारे बाहर निकल के आ गए, जिसमें आपके सेरोटोनिन ने किया वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, उसमें जो आपका एडीपी है और थ्रोम्बोक्सिन ए2 है उसने किया आपका एग्रीगेशन और प्लेटलेट का प्लग बनाया. और जो आपके जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर यानी कि जो प्लेटलेट डराइव ग्रोथ फैक्टर है उन्होंने आपके प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को एक्टिवेट किया और फाइनली वहां पर क्या बन गया, ब्लड का क्लोट बन गया. इस तरीके से हमारी ये कुछ स्टेप्स होती है ब्लड को क्लोट करने की जो कि आज हमने आज की क्लास में समझी. आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी. मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ. थैंक यू.